तो आज मैं फिर से मिस्टर मीट को मारने के लिए आया हूँ। गाइस आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि मैंने मिस्टर मीट के ऊपर आग भी लगा दी थी, लेकिन मिस्टर मीट फिर भी बचकर भाग गया था। लेकिन अगर आज मिस्टर मीट मुझे, ओ माय गॉड, मिस्टर मीट यहीं पे खड़ा है। मिस्टर मीट के बच्चे, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या मुझे नहीं छोड़ेगा? मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले इस्तेमाल मेरा वार। अरे नहीं, क्या सोच रहा है कि तू मेरे ऊपर आग लगाएगा तो मैं मर जाऊंगा? नहीं मार सकता तू, चाह कर भी नहीं। अब देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे रोके रोके बच्चे, क्या सोचा था कि तेरे पास घोस्ट हंटर पावर है तो तुम मुझे मार देगा? चाह कर भी नहीं मार पाएगा। और अब देख मैं तेरे साथ क्या करूँगा। मिस्टर मीट के बच्चे, तुम मेरे साथ चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो चाहे मुझे कितना भी मार ले, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और अब की बार देखना, तू मुझसे चाह कर भी नहीं बच पाएगा। तू मुझे चाहे जितना ज्यादा मार ले, मैं हार नहीं मानूंगा। अच्छा अच्छा, रो फिरो के बच्चे, इतनी ज्यादा मार खाइए लेकिन अकड़ अभी बराबर है। अभी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। देख कितना सारा डीजल लेके आया हूँ मैं, ये सब तेरे ऊपर पलटूंगा और उसके बाद तेरे ऊपर आग लगाऊंगा, फिर देखूंगा तुझे कौन बचाएगा। पहले तेरा मुंह बंद करता हूँ। अरे नहीं मिस्टर मीट, ये मत करना बिल्कुल भी। मिस्टर मीट मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मत छोड़ दे मुझे। मिस्टर मीट मुझे छोड़ दे। बच गया साला। रो फिरो, तेरा नसीब ही अच्छा है। तेल तो लेके आ गया लेकिन माचिस लाने की याद नहीं रही। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। और फिर तो सोचता मैं किसके हवाले पड़ा था, हमेशा हमेशा के लिए जला के तुझे खत्म कर देता। अरे बस कर मिस्टर मीट, तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है तू चाह कर भी मुझे नहीं मार पाएगा। साले रो फिर, तुझे इतना ज्यादा मारा लेकिन अब भी अकड़ बरकरार है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे जाके माचिस लेके आनी पड़ेगी। अब देखना तुझे मुझसे कौन बचाएगा। चाहता हूँ और पहले माचिस ही लेके आता हूँ। और देखना रो फिरो, अब की बार तुझे कोई बचा ही नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा अकड़ के बोल रहे ना तू, अब देखूंगा कौन बचाएगा। तो अभी मिस्टर मीट यहाँ से जा चुका है। मुझे कुछ भी करके अपने हाथ पैर खोलने पड़ेंगे, लेकिन यार इसने मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा टाइट करके बांधे हैं। हाँ, मुझे खोलना पड़ेगा यार। मैं कोशिश करता हूँ अपने हाथ पैर खोलने के लिए। बहुत ज्यादा टाइट है। तो यार अभी देखो, मैंने जो है ना अपने हाथ पैर खोल लिए हैं, लेकिन मेरा शरीर जो है ना बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। एक मिनट यार, मैं इधर उधर कुछ ना कुछ देखता हूँ जिससे कि मेरे शरीर में कुछ एनर्जी आ जाए। लेकिन यार मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है मुझे ऐसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि मिस्टर मीट यहाँ पर आ जाए मुझे निकलना पड़ेगा फटाफट से। जाता हूँ यार। ओ माई गॉड यार, मिस्टर मीट ने ये क्या कर दिया? मिस्टर मीट तो यार गेट लॉक करके गए। अरे नहीं यार, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा? ये तो मिस्टर मीट ने बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया, मुझे यहाँ पर बंद करके चला गया। गाइस यार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। आइडिया गाइस, नीचे जो है ना काफ़ी सारे केमिकल रखे हुए हैं और मैं जो ना केमिकल का यूज़ करना जानता हूँ। एक काम करता हूँ यार, मैं नीचे चलता हूँ और केमिकल से जो ना कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे कि गेट टूट जाए। एक मिनट यार, मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से केमिकल हैं। वैसे केमिकल तो देखो यार यहाँ पे बहुत सारे हैं। एक काम करता हूँ, इनसे जो ना फटाफट से फायर बॉम्ब बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फायर बॉम्ब बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं फटाफट से ट्राई करता हूँ। एंड तो गाइस, मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने जो ना यहाँ पर फायर बॉम्ब बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं फटाफट से ऊपर चलता हूँ और ऊपर जाके जो ना इस फायर बॉम्ब को उस गेट के ऊपर फायर करता हूँ, और उसके बाद जो ना गेट पूरी तरीके से टूट जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन फिर भी ट्राई करके देखता हूँ। ये ले, ट्राई करता हूँ यार, और ज़्यादा बॉम्ब फेंक के मारता हूँ, क्योंकि एक दो बॉम्ब से कुछ नहीं होने वाला। मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे बॉम्ब डालने पड़ेंगे। तो यार देखो, अभी जो ना मैंने काफ़ी सारे बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट किए हैं। एंड देखता हूँ कि ये गेट यहाँ पर टूटता है या फिर नहीं। थोड़ी और नीचे चलता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर कोई तगड़ा ब्लास्ट होगा। और ये लोग आए से भी ब्लास्ट हुआ। फटाफट से ऊपर चलता हूँ यार, मुझे लगता है गेट टूट चुका है। एक मिनट देखना पड़ेगा मेरी मेहनत रंग। ओ माय गॉड यार, देखो गेट तो अभी पूरी तरीके से टूट चुका है। अभी देखो गाइस, मैं जो ना पूरी तरीके से कामयाब हो चुका हूँ। मिस्टर मीट अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और मैंने जो ना गेट को तोड़ लिया है। अब इससे पहले मिस्टर मीट यहाँ पर आए, मुझे मिस्टर मीट के आने से पहले पहले ना गाइस यहाँ से भागना होगा, वरना अगर मिस्टर मीट यहाँ पर आ गया ना तो मिस्टर मीट मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन गाइस, मिस्टर मीट के घर से मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मिस्टर मीट के घर से मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा ना तो मिस्टर मीट के घर पे जरूर मैं ऐसा काम करके जाऊंगा। जब मिस्टर मीट आएगा ना तो अपने घर को देखकर बहुत ज्यादा रोएगा। गाइस आप मेरे हाथ में ये बॉम्ब देख रहे हो ना, इन बॉम्ब से जो है ना मैं इसके घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जब मिस्टर मीट आएगा ना तो अपने घर को देख के वो बहुत ज्यादा रोएगा और फिर से वो मुझे पकड़ने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अब की बार जो ना मैं उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं आऊंगा।
पहले एक काम करता हूँ, इसके घर को तोड़ता हूँ पहले तो पूरी तरीके से। इसके घर को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे को इतनी ज़्यादा मार लगाई थी। गाइस अब मैं इसके घर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप देख रहे हो मैं कितने ज़्यादा बॉम्ब फेंक रहा हूँ, इतने ज़्यादा बॉम्ब फेंक रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा और उसके बाद जो है ना इसका ये पूरे घर ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर जो है ना मिस्टर मीट अपने घर को देख के अपने सर को पकड़ के रोने लगेगा, क्योंकि गाइस मिस्टर मीट ने जो है ना ये घर बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था और आज जो है ना मैं इस घर को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला हूँ। लेकिन एक मिनट गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मीट जो है ना इधर की साइड आ रहा है। ओ नो नो यार, इधर मिस्टर मीट आ चुका है। थैंक गॉड यार, बच गया मैं, मिस्टर मीट ने मुझे नहीं देखा। गाइस अभी देखो मिस्टर मीट जो ना बहुत ज़्यादा रोएगा अपने घर को देखकर। इससे पहले कि मिस्टर मीट मुझे ढूंढ ले, मुझे फटाफट से इधर से भाग के निकलना पड़ेगा, वरना गाइस मिस्टर मीट ने मुझे ढूंढ लिया ना तो मिस्टर मीट मुझे नहीं छोड़ेगा। गाइस अभी आप देख रहे हो मिस्टर मीट उधर खड़ा है। साले रोफिरो का बच्चा फिर से बच के भाग गया, और इस बार तो इसने मेरे पूरे घर को ही बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से अपने घर को बनाया था मैंने। ओ माय गॉड यार, मुझे जो ना फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा। आप देख रहे हो गाइस उधर जो ना मिस्टर मीट खड़ा हुआ रो रहा है, और इससे पहले कि मिस्टर मीट मुझे देख ले मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना मिस्टर मीट मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यार फटाफट से भागता हूँ इधर से। तो गाइस अभी देखो मैं भागते भागते यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन यार इतनी ज्यादा रात हो रही है, रात को मेरे को कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। मुझे लगता है किसी की गाड़ी छीनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, ये तो खुद ही रुक गया। तेरी ऐसी की तैसी, खुद मुर्गा हलाल होने आया था। खैर छोड़ो यार, फटाफट से मैं इधर से निकलता हूँ, वरना तो मिस्टर मीट मुझे नहीं छोड़ेगा। आप देख रहे हो, ओ माय गॉड मिस्टर मीट यहीं पे। यार मुझे फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा, मिस्टर मीट ने मुझे आखिर देख कैसे लिया। गाइस यार मैं बाइक से और मिस्टर मीट पैदल, फिर भी इतनी जल्दी मिस्टर मीट यहाँ पर आ गया। ये मिस्टर मीट यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस अभी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा मुश्किल से मैं मिस्टर मीट से बच के आया हूँ। खैर छोड़ो यार, मैं फटाफट से चलता हूँ। ओ माय गॉड यार, ये क्या हो गया, ये सब भी अभी होना था क्या। खैर छोड़ो यार, मैं फटाफट से घर के अंदर चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर के अंदर जाऊँ और मिस्टर मीट मुझे पहले ही घर के अंदर खड़ा हुआ मिले। देखना पड़ेगा यार मिस्टर मीट मेरे घर पे तो नहीं है, अगर मिस्टर मीट घर पे होता यार बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। एक मिनट, अभी तो मिस्टर मीट यहाँ पर नहीं है। इससे पहले कि मिस्टर मीट यहाँ पर आ जाए, मैं जो ना अपनी सारी गन वगैरह उठा लेता हूँ और फिर से जो ना मिस्टर मीट को मारने जाऊंगा। लेकिन एक मिनट यार, मुझे जो ना गर्मी काफी ज्यादा लग रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक डुबकी लगा दी। खैर छोड़ो यार, उस सब बात को छोड़ता हूँ और मैं जो ना फटाफट से घर के अंदर चलता हूँ और अपनी जो ना सारी गन वगैरह उठाता हूँ और फिर से जो ना मिस्टर मीट को ढूंढने के लिए चलता हूँ। तो गाइस अभी देखो मैं जो ना यहाँ पर मिस्टर मीट को ढूंढने के लिए आया हूँ, लेकिन मिस्टर मीट मेरे को यहाँ पर कहीं भी दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा। बट वेट, एक मिनट यार, ये अपना चॉप यहाँ पर क्या कर रहा है, देखता हूँ फटाफट से। ओ नो गाइस यार, ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया। मैं तो इसको चॉप समझ रहा था, लेकिन ये चॉप नहीं है, बल्कि ये जो ना चॉप के जैसा डॉग है। बट यार अब मैं नीचे आ चुका हूँ, मुझे फटाफट से छिपना पड़ेगा। एक मिनट, मैं किधर छिपूं, इधर छिपता हूँ। ओ माय गॉड यार, यहाँ पर तो कोई खड़ा है। अरे ये आदमी इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। फटाफट से अपने सर को फोन लगाता हूँ और उनको सब कुछ बता देता हूँ। ओ माय गॉड यार, ये तो अपने सर को फोन लगा रहा है। अरे अपना फोन रख यार जेब में। अरे यार अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, मैं जो ना फटाफट से इधर से निकल जाता हूं, वरना ये अपने सर को बुला ही लेगा यार, ये तो मान ही नहीं रहा है। तो गाइस यार देखो, मुझे जो ना उधर मिस्टर मीट नहीं मिला है, एंड अभी जो ना मैं मिस्टर मीट को इधर साइड देखने आया हूं, और गाइस मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मिस्टर मीट मुझे इधर जरूर मिल जाएगा। बट मुझे जो ना इस हिसाब से मिस्टर मीट को देखना होगा कि मिस्टर मीट मुझे ना ढूंढ पाए। अगर मिस्टर मीट ने मुझे देख लिया ना तो गाइस बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ओ माय गॉड यार, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं। साला रोफिरो इधर आया था, बता रोफिरो कहाँ है। रोफिरो इधर ही आया था, मैंने रोफिरो को अच्छी तरीके से देखा है कि रोफिरो इधर की साइड आया था। किसी को नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तू क्या कर रहा है इधर खड़ा हुआ। रोफिरो के सब पार्टनर होना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रोफिरो ने मेरे घर को जलाया कैसे, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं रोफिरो को जिंदा जलाऊंगा। मुझे पता है रोफिरो साला घर के अंदर गया होगा, लेकिन रोफिरो को आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओ माय गॉड यार, अभी अभी जो ना मिस्टर मीट घर के अंदर गया है। एक मिनट यार, इधर देखो इसने जो ना गार्ड को भी मार दिया यार। ओ माय गॉड, अब मैं इस मिस्टर मीट को नहीं छोड़ूंगा। पहले गन लेता हूँ और उसके बाद जो ना गाइस गन लेके इस मिस्टर मीट के बच्चे को आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, ओ माय गॉड मिस्टर मीट उधर खड़ा है। तेरी ऐसी की तैसी, मिस्टर मीट के बच्चे, ओ माय गॉड यार मेरे ऊपर फायर कर रहा है। एक मिनट गाइस यार, अभी तो मिस्टर मीट यहीं पर था। अच्छा उधर साइड खड़ा है। गाइस इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और नहीं गाइस यार, ये तो मेरे ऊपर फायर कर रहा है। गाइस अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस मिस्टर मीट की इतनी हिम्मत कि ये मेरे ऊपर फायर करेगा। ओ माय गॉड यार, मिस्टर मीट ने मुझे देख लिया। एक मिनट, मुझे फटाफट से यार यहाँ से भागना पड़ेगा। फटाफट से बाहर चलता हूँ। तो गाइस यार अभी देखो मैं घर से बाहर आ चुका हूँ। फटाफट से अपनी कार देखता हूँ यार, मेरी कार कहाँ खड़ी है, और कार में बैठता हूँ और मैं जो ना यहाँ से भाग जाता हूँ। और मिस्टर मीट को तो आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गाइस यार फटाफट से बैठता हूँ
ओह माय गॉड यार, अभी देखो थैंक गॉड, ओह माय गॉड मिस्टर मीट, तेरी ऐसी की तैसी। गाइस अभी देखो मिस्टर मीट को मैंने मार दिया, बट ये अभी भी उठ रहा है। oh, no. नहीं छोड़ूंगा, ये ले मिस्टर मीट के बच्चे। मुझे लगता है गाइस अब मिस्टर मीट मर चुका है, बट वेट गाइस यार अभी भी मिस्टर मीट नहीं मरा है। अभी आप देख रहे हो मिस्टर मीट फिर से उठ रहा था। मुझे लगता है गाइस अब मिस्टर मीट मर चुका है। फटाफट से मैं कार से उतरता हूँ और उसके बाद जो ना इसके ऊपर गन से फायर करता हूँ। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा मिस्टर मीट किधर गया। गाइस अभी तो यहीं पे पड़ा है। ओ माय गॉड अभी देखो कितना मोटा है यार ये मिस्टर मीट। ओ माय गॉड यार ये पीछे से फायर कौन कर रहा है। एक मिनट यार मुझे देख के आना पड़ेगा। मुझे लगता है इस घर का मालिक है यार जो मेरे ऊपर फायर कर रहा है। अरे सर मेरे ऊपर फायर क्यों कर रहे हो, ये तो मान ही नहीं रहा, तेरी ऐसी की तैसी। गाइस यार मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये मेरे ऊपर फायर पे फायर किया जा रहा था। मैं फटाफट से चलता हूँ और मिस्टर मीट को यार गाड़ी में रखता हूँ फटाफट से, और मिस्टर मीट को यहाँ से लेके चलता हूँ। किधर गया मिस्टर मीट? हाँ गाइस अभी यहीं पे पड़ा है। इसको मैं फटाफट से कार में बिठाता हूँ। गाइस अभी देखो मैंने जो ना इसको कार में बिठा लिया है एंड इसको जो ना अभी मैं घर लेके चलता हूँ और इसके ऊपर जो ना अभी मुझे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है। एंड गाइस मैं मिस्टर मीट के ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा अगर आपको भी ये सब देखना है ना तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो। एंड गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मिस्टर मीट कैसे साइड में पड़ा हुआ है एंड अभी जो ना ये पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है। एंड गाइस अभी जो ना टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है और मैंने अभी तक आपके शाउट आउट भी नहीं दिए हैं, तो मैं फटाफट से आपके शाउट आउट दे देता हूँ। तो ये रहे आज के आपके शाउट आउट। तो गाइस आज का फर्स्ट शाउट आउट जाता है अब्दुल मोइज को जो कि पाकिस्तान में लाहौर से वीडियो को देखते हैं। एंड सेकंड शाउट आउट जाता है विष्णु को। एंड थर्ड शाउट आउट जाता है एथन भाटी को जो कि पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं। एंड फोर्थ शाउट आउट जाता है रुद्रा प्रताप सिंह को। एंड फिफ्थ शाउट आउट जाता है प्रांजल को जो कि इंडिया से वीडियो को देखते हैं। एंड सिक्स शाउट आउट जाता है आर्यन को। एंड सेवेंथ शाउट आउट जाता है रॉबिन को। एंड एट्थ शाउट आउट जाता है आरव को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं। एंड नाइन्थ शाउट आउट जाता है मनराज को। एंड टेंथ शाउट आउट जाता है साहिल को। एंड इलेवेंथ शाउट आउट जाता है जैनुल आब्दीन को जो कि पाकिस्तान में लाहौर से वीडियो को देखते हैं। एंड ट्वेल्थ शाउट आउट जाता है प्रियांशु को जो कि बिजनौर से ही वीडियो को देखते हैं। एंड गाइस आज का नेक्स्ट शाउट आउट जाता है फरहान खान को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है प्रियाम दास को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है सिवाय को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट शाउट आउट जाता है एथान भाटी को जो कि पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है अहमद को जो कि पाकिस्तान में लाहौर से वीडियो को देखते हैं। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है प्रिंस कुमार को जो कि बेगूसराय से वीडियो को देखते हैं। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है नैतिक को जो कि बिहार से वीडियो को देखते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट शाउट आउट जाता है फातिमा को। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है वरुण को जो कि दिल्ली से वीडियो को देखते हैं। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है आरव को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं। एंड नेक्स्ट शाउट आउट जाता है एहसान अली को जो कि पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं। एंड गाइस आज का लास्ट शाउट आउट जाता है भव्य एंड युवराज को जो कि गुजरात से वीडियो को देखते हैं। एंड अगर आपको भी अपना शाउट आउट चाहिए ना तो फटाफट से वीडियो पे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी शाउट आउट मिल जाएगा। और गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट कर देना एंड फिर जो ना बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।